मिजारुद्दीन की फोटो तो हमें मिल गई है, पर उसे आप पकड़े कैसे? मिजारुद्दीन 3 बजे हमारे घर से निकले थे, वो कहाँ गए थे पता लगाएंगे तो। मैंने नहीं बोला सर, मैंने इनको यहाँ से कमला नगर के पास एक घर में छोड़ा था सर। यही वो घर है सर, उस दिन एक लड़के को लेकर के आया था, रास्ते में उस लड़के को बहुत डांट रहा था सर। उसी दिन इस घर में एक औरत का मर्डर भी हुआ था सर। वो घर एक बैंक ऑफिसर का है, उसकी वाइफ एक निम्फोमैनियक थी। जब भी पति काम से बाहर जाता था बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर वो एंजॉय करती थी। उस लेडी के फोन से बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट निकालनी होगी, उन सारे फोटोज को ऑटो ड्राइवर्स को दिखाएंगे तो उस लड़के का हम पता लगा सकते हैं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम IIT पढ़ना छोड़ करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सभी उसके बॉयफ्रेंड्स की फोटो हैं। सच में उसका टेस्ट तो काफी कमाल का है। हार्डकोर टेररिस्ट मिजारुद्दीन का प्रेमजीत के साथ क्या संबंध है अभी हमें इस बात का पता नहीं चला है। प्रेमजीत जिस गांव में फोन करता था वो नंबर हमें मिल गया है, हम वहां पर गए भी थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है और पुलिस फोर्स में काम करने के लिए स्टैमिना चाहिए होता है। IIT पढ़ने के लिए ये दोनों चाहिए। सॉरी। कोई है अंदर? आप बेगम नूरजहां हैं क्या? हाँ जी। क्या आप इस आदमी को पहचान सकती हैं? क्या आप जानती हैं इसे? क्यों नहीं पता होगा, मेरा बेटा है ये। प्रेमजीत? आपका बेटा है? प्रेमजीत कौन है? ये तो मेरा बेटा इम्तियाज है। तो आपके पति? उनको बेटा नहीं था ना, तो पहले की 3 बीवियों को तलाक देकर मुझसे निकाह किया और बेटा पैदा होने के बाद उसे लेकर चले गए। कई साल होने के बाद भी मिलने नहीं आते हैं। इम्तियाज अकेला महीने में एक बार आकर मेरा जमा किया हुआ पैसा लेकर चला जाता है। आपके पति काम क्या करते हैं? पता नहीं। उनका नाम? रियाज हसन। प्रेमजीत के पिता रियाज हसन उर्फ मिजारुद्दीन है, ये बात हमें उसकी पत्नी से पता चली सर। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, वो उसे जूनियर लिन सुडान कहकर पुकारता है। सुडान की तरह इंजीनियर बनाने के लिए नाम बदलकर उसकी पढ़ाई करवा रहा है। बेटा इंजीनियर तो नहीं बना, ड्रग एडिक्ट बन गया। ही इज अ मैसोचिस्ट, दर्द को एंजॉय करता है। लॉकअप में डालकर मारपीट करके उसे सच उगलवाना बहुत मुश्किल था सर, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। प्रेमजीत को शादीशुदा और घरेलू औरतें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने और कल्याणी ने पति पत्नी का नाटक करना शुरू किया। बाप को बचाने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है सर। I can never ever imagine the things she has done to bring out the culprit from the spit. सांप को बिल से निकालने के लिए बिल में धुआं डालना होता है। मैंने तुम्हारे चारों तरफ डर का धुआं फैला दिया। मुझे तैरना अच्छी तरह आता है, लेकिन ना आने का नाटक किया। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर तुम ट्रैप में फंस गए। मैं आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी, तुम्हारे साथ रह जाऊंगी, इस बात का तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कृष्णा ने उस दिन नाटक किया था। आयुर्वेदिक दवा खाओ या फिर इंजेक्शन लगवा लो। शादी से पहले तो मैं ठीक था ना, पुलिस ट्रेनिंग में एक्सीडेंट होने के बाद से मैं। तुम हमारी बातों को बगल के रूम से सुन रहे थे, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझ पर तुम्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाए इसके लिए इंस्पेक्टर के सर पर मारकर तुम्हें बाहर लेकर आ गई। मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करने वाला प्रकाश था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफिसर। इंजेक्शन के बगैर तुम जी नहीं पाओगे, हमें पता था। पुलिस स्टेशन का ड्रामा खत्म हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ लाकर मैंने गड्ढे में गिरा दिया। That's why we dig it up. इस गड्ढे को बनवाने वाली मैं ही हूँ। चारों तरफ से डराऊंगी तो तुम अपने पापा को फोन करोगे, ये हमें अच्छी तरह से पता था। आखिर में वही हुआ। इतना बड़ा प्लान किया? तुम में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ और गधे हो, पता है तुम्हें ये बात?
हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए तो भारत देश के नागरिक सुख शांति से जी रहे हैं। ये बात पता है तुम्हें बेवकूफ, तुम और तुम्हारे बाप जैसे टेररिस्ट हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। भाई मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, पहले कभी मैंने आपको ऐसा नहीं देखा। कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जल्दी जाना है, गाड़ी निकालो। ये है टेररिस्ट मिजारुद्दीन की लोकेशन और यहाँ से मिजारुद्दीन यहाँ पर आने वाला है, तो हमें इस रास्ते पर फोर्स को तैनात करना पड़ेगा। मैं लोकेशन पर जाता हूँ। अब मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गजेंद्र को बचाने के लिए बिना चक्र के जाने वाले विष्णु की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए बिना गार्ड्स के आए हो। बकवास बंद करो, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? Where is my father? कौन हो तुम? याद नहीं आ रहा है मिजरुद्दीन? तुम जॉनी? जॉनी? यस पापा,
किलिंग पीपल, यस पापा, यही है ना हमारा मजहब, ओपन योर गन। बुलेट से तुम इतना ज्यादा तड़प रहे हो, और तुमने जो ब्लास्ट किया था उसमें कितने लोगों की जान गई है याद है तुम्हें? भूल गए होगे ना रियाज हसन? अरशद अलाउद्दीन, अब्दुल हमीद मीर, सरसद साली गिलानी, मिजवास तोमर जरूक, अलगाववादी, आतंकवादी, इन सब के बच्चे डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर किसी एसी रूम में एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इस जिहाद से तुम्हें क्या हासिल होगा? हाँ, सभी अपने सिद्धांतों के डिफेंस लॉयर होते हैं। कोई भी सामने वालों की बातों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन आखिर में जज देते हैं अंतिम न्याय। भगवत गीता में कृष्ण डिफेंस लॉयर थे या प्रोसिक्यूटर थे? कृष्ण, ये कौन है? परित्राणाय, साधु नाम कहने वाले। मतलब यही। प्रेमजीत ने जेल में सुसाइड कर लिया, पुअर फेलो। बाप अच्छा होगा तो बेटा अब्दुल कलाम बनेगा, बाप अगर अच्छा ना हो तो बेटा लिन सुडान बनेगा। पत्नी अच्छी मिलती है तो पति की किस्मत खुल जाती है, अच्छी नहीं मिलती तो बेचारा शराबी बन जाता है। क्या तुम मेरी किस्मत खोलोगी? हम